गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम सिविक्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे इस न्यू चैप्टर का नाम है न्यायपालिका जुडिशरी। बच्चों इससे पहले हम कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पढ़ चुके हैं, तो तीनों ही ये सरकार के अंग हैं। न्यायपालिका तीसरा अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तो ये सरकार के अंग हैं और इन्हीं से मिलके हमारा गवर्नमेंट बनती है। बच्चों इनका अलग अलग काम भी होता है और ये इस तरह भी काम करती है कि एक दूसरे से जुड़ी हुई भी है, लेकिन इनमें पृथक्करण भी है। न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से अलग रखा गया है क्योंकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक ही है, लेकिन न्यायपालिका इनसे अलग है। तो न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र क्यों है और इसे स्वतंत्रता क्यों दी गई है, तो हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि जो हमारे न्यायालय हैं तो वो कैसे काम करते हैं और जो हमारे जो न्यायाधीश हैं, चीफ जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो वो कैसे उनका चुनाव होता है, कैसा कार्यकाल होता है, ये सारी चीज़ें, और हमारा जो न्यायालय है तो वो किस स्तर पे कैसे काम करते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने आज देखेंगे न्यायपालिका को। न्यायपालिका में हम जानेंगे कि न्यायपालिका के स्तर क्या है, न्यायपालिका की संरचना। सबसे पहले न्यायपालिका की संरचना देखेंगे, तो जो न्यायपालिका है वो इस तरह से काम करती है। अब देखिए ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, तो जो सबसे ऊंचे लेवल पे होते हैं, सबसे ऊंचे स्तर पे वो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो पूरे भारत में एक ही है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय एक ही है और ये है दिल्ली में। दूसरे जो नंबर पे आते हैं उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय जो उच्च न्यायालय है तो
न्याय व्यवस्था है, एकीकृत कैसे है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय एक ही है, लास्ट में जो है एक ही है। जो हमारा अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो जिला न्यायालय के मतलब जिला न्यायालय के अंदर काम करते हैं, ऊपर जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो इन सब पे अधिकार रखता है, नीचे वाले न्यायालय पे। जो जिला न्यायालय है वो अपने नीचे वाले पे अधिकार रखता है और जिला जो अदालत है वो अपने नीचे वाले पे अधिकार रखता है। यानी अगर कोई कोई भी वाद अधीनस्थ न्यायालय में पूरा नहीं होता या जो वादी है तो उनको न्याय नहीं मिलता है, वो सोचते हैं कि हमें और बेटर न्याय चाहिए, तो वो अपील कर सकते हैं अपने से ऊपर वाले न्यायालय में, जिला न्यायालय में। जिला न्यायालय में अगर उनको न्याय नहीं मिलता है या फिर ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ सही न्याय नहीं हुआ या फिर हमें और आगे भी अपना लड़ाई लड़नी है, तो वो जा सकते हैं उच्च न्यायालय में। और उच्च न्यायालय से जो केस आते हैं तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बाद कहीं भी सुनवाई नहीं होती, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है लास्ट है वही सबसे पावरफुल है। सर्वोच्च न्यायालय में सबसे अंतिम सुनवाई होती है, इसके बाद सुनवाई नहीं होती। मान लीजिए किसी किसी रेपिस्ट को या किसी मर्डर को फांसी की सजा सुनानी है अधीनस्थ न्यायालय में, वैसे अधीनस्थ न्यायालय फांसी की सजा नहीं सुनाता है, जिला न्यायालय में तो फांसी की सजा सुनाती है, तो वो अपील कर सकता है उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में अगर हार जाता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के बाद वो और कहीं भी अपील नहीं कर सकता। अगर उसे अपील करनी भी है तो भी सर्वोच्च न्यायालय में भी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं या फिर एक क्यूरेटिव पिटीशन होती है वो दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय का ही निर्णय सबसे लास्ट होता है। तो बच्चों देखिए हमारा सर्वोच्च न्यायालय थोड़ा सा इसको देखिए कि कब गठित हुआ। वैसे तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 1935 को उसका गठन हुआ था, लेकिन तब इसे सर्वोच्च हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ अगर कोई भी निर्णय नहीं हो पाता था या फिर व्यक्ति अगर चाहते थे तो अपील कर सकते थे जो ब्रिटिश न्यायालय थे वहाँ पे, यानी ब्रिटिश न्यायालय लास्ट था। तो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो 1950 से सर्वोच्च है, अपना काम उसने शुरू कर दिया है स्वतंत्र भारत में, तो ये बात याद रखेंगे आप। अब ये जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है तो उनके जो होते हैं न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश और इसमें से अन्य न्यायाधीश, इनसे मिलकर सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय देता है। तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे मुख्य न्यायाधीश के चुनने की क्या कंडीशन है और इसका चुनाव कैसे होता है। बच्चों जो मुख्य न्यायाधीश होता है हमारे इंडिया में, उसके अलावा नाउ आप भी बुक में सही कर लेंगे आप बच्चों, क्योंकि बुक में जो पुराना डेटा है। अब हमारे देश में टोटल 33 न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है, यानी एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश भी हैं सर्वोच्च न्यायालय में, तो इसे आप याद रखेंगे। तो हम पहले सबसे हम मुख्य न्यायाधीश के बारे में हमारे बात करते हैं, जो चीफ जस्टिस होते हैं मुख्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश है तो उन्हें उनका जो निर्वाचन है तो वो राष्ट्रपति द्वारा होता है, राष्ट्रपति ही इनका चुनाव करते हैं, लेकिन ये चुनाव राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करते। इनके लिए एक कॉलेजियम पद्धति प्रणाली है जो कि हमारे संविधान में तो नहीं है, कॉलेजियम व्यवस्था नहीं है संविधान में, लेकिन बाद में इसको बनाया गया और ये कार्यपालिका व्यवस्थापिका के कहने पर ही बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी को मुख्य न्यायाधीश बनाना
बहुमत होगा जिसके लिए उसी को राष्ट्रपति न्यायाधीश निर्वाचित करते हैं, उसका चुनाव करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को चुना जाता है। अब जो न्यायाधीश होता है तो वो उसकी उनकी जो एज यानी राष्ट्रपति चुनते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा चुनाव होता है। Yeah.
न्यायालय, उसका संरक्षण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो इसलिए हमारी जो न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है, और अगर कोई व्यवस्थापिका कार्यपालिका ये कोई कानून ऐसा बनाते हैं जो संविधान के खिलाफ हो, या संविधान में ऐसा संशोधन करते हैं जो संविधान के खिलाफ हो, तो हमारी जो न्यायपालिका है उसको निरस्त कर सकती है। अब बच्चों देखते हैं, अब हम सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय अपने में बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इन्हें सबसे पहले इनका मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार क्या है इनके? मौलिक अधिकार
और इनमें